हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 7,547 पदों के बाद दिल्ली पुलिस में ही एक और वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एमटीएस सिविलियन वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक प्रकार से ट्रेड की वैकेंसी होती है, जैसे कोबलर है, कुक है, वाटर कैरियर है, कारपेंटर है, बार्बर है, गार्डनर है। इस प्रकार के जो ट्रेडमैन के पद होते हैं उनको एमटीएस बोला जाता है। और दोस्तों, एमटीएस के 888 पदों पर मेल और फीमेल दोनों के लिए ही नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है। लेकिन बच्चों के मन में डाउट है एक एज लिमिट को लेकर। हमें भी डाउट था क्योंकि ये पिछली वैकेंसी 2017 में आई थी। और दोस्तों, 2017 में अगर दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी को और आप देखोगे तो इसमें एज क्राइटेरिया दोस्तों 18 से 23 साल रहा करता था। लेकिन 2020 की जब वैकेंसी आई तो एज लिमिट दोस्तों उसमें 2 साल का बढ़ा के दिया, 18 से 25 साल। जबकि एमटीएस की वैकेंसी उस साल जब आई थी दोस्तों तो 18 से 25 साल उसमें एज लिमिट रहा करती थी। तो बच्चों के मन में भी डाउट है और थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूजन था, उसको हमने क्लियर किया है कि आखिरकार इसमें एज लिमिट क्या रहेगी और कब से काउंट रहेगी। और एग्जाम पैटर्न भी हम आपको यहां पे बताएंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जैसा रहेगा या कुछ अलग रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। और दोस्तों, ये भी बताएंगे कि आप अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, कहां से बनवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें फर्जी रूप से बनाई जाती हैं और वो बाद में आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर देती हैं। हम सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वो सर्टिफिकेट चेक कराते हैं तो फर्जी निकलते हैं और हमारी नौकरी तो आज से जाती जाती है, साथ ही दोस्तों 420C का केस भी हम पे हो जाता है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको जरूरत है एक सही गाइडेंस की कि कहां से सर्टिफिकेट बनवाएं और कैसा परफॉर्मा होना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए तो 16 अक्टूबर मंडे से हमारा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। लाइव ये बैच रहेगा दोस्तों केवल 499 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, केवल 499 रुपए का ये बैच है आपका। लाइव क्लास मिलेंगी, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, जो भी टॉपिक करवाएंगे उसकी पीडीएफ नोट्स और टॉपिक वाइज जैसे मैथ और इंजीनियरिंग के आपको अलग से पीडीएफ मिलेगी। और अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो डाउट सेशन भी हम अलग से लेके आएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी आपके साथ डील करेंगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, आपने बड़े बड़े चैनल से पढ़ के देखा होगा, एक बार विश्वास करके हमारे साथ भी जुड़ के देखिए। अगर क्वालिटी कंटेंट में कहीं मिले कमी तो दोबारा आप कभी ज्वाइन मत करना, ठीक है? विश्वास के साथ जुड़िए, भरोसे के साथ जुड़िए, बहुत बढ़िया तैयारी करवाएंगे। रूटीन में आपको क्लास मिलेगी मंडे टू सैटरडे, संडे को आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, वीकली मैराथन क्लास हम अलग से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो एक भरोसे के साथ कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमारे संकल्प बैच में आ सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, आप प्ले स्टोर में जाके होम ट्यूशन सर्च कीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉग इन कीजिए और जाके संकल्प बैच को ज्वाइन कर लीजिए केवल 500 रुपए। यानी जितने का आप अपने फ्रेंड्स जो सर्कल है उसमें अगर आप पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करते हैं तो इससे ज्यादा खर्च हो जाता है, उतने में आपको एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हमारा ऑफलाइन बैच भी आ रहा है जिसमें गारंटी बैच है, फीस आपके सिलेक्शन के बाद हम लेंगे, उससे पहले केवल हॉस्टल चार्ज लेंगे। तो कोई भी बच्चा जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8910 28 158, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस लिखना है व्हाट्सएप पे दोस्तों कि दिल्ली पुलिस एमटीएस इंक्वायरी, हम आपको टर्म्स कंडीशन क्या क्या यहां पे प्रोवाइड कराएंगे, फैसिलिटी, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ये ऑफलाइन बैच है, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन के बाद हम फीस लेंगे, उससे पहले केवल हॉस्टल चार्ज लेंगे। जेन्युइन सी फीस है, ऐसा नहीं कि भैया 4-5 लाख रुपए ले लेंगे सिलेक्शन के बाद, नहीं दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन फीस, ठीक है? तो डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं एमटीएस के बारे में। तो सबसे पहले वैकेंसी आप जानते हैं दोस्तों 888 पद है और दोस्तों ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है, ठीक है? इसमें कुछ पद ऐसे हैं जिसमें केवल मेल अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सभी में मेल फीमेल दोनों के लिए होती है।
अलग अलग जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको डिस्क्राइब भी मिलेगा कि मेल की, जैसे कुक की वैकेंसी है तो कुक में मेल भी होते हैं फीमेल भी होती है, तो दोनों की वैकेंसियां यहाँ पे डिवाइड होंगी, डिस्क्राइब होंगी, वो नोटिफिकेशन में पता लगेगा। बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो एज लिमिट होती है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 27 साल होती है। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में और एज हो चुके थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि भैया जो पहले कांस्टेबल का नोटिफिकेशन मार्च में आने वाला था वो सितंबर में आया है, तो 6 महीने का जो गैप रहा उसकी वजह से और एज हो गए, कुछ बच्चे 10 दिन और एज हो गए। तो ऐसे बच्चे जो कांस्टेबल में और एज हो चुके हैं या जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है दोस्तों, हाइट इसमें दोस्तों 157 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 86 चाहिए, ठीक है, फिजिकल भी नॉर्मल होता है। तो वो बच्चे जिनका फिजिकल भी कम है, हाइट कम है और एज ज्यादा है, कांस्टेबल में एलिजिबल नहीं है, उनके लिए दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जाने की। क्योंकि एक बार आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में शामिल हो गए तो बाद में 3-4 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो वहां से आप कांस्टेबल ग्रेड में भी आ सकते हैं, एसआई ग्रेड में भी आ सकते हैं और अपर लेवल पे भी जा सकते हैं दोस्तों। तो एक बार आपको गोविट जॉब लेनी है, ठीक है, और ये बहुत बढ़िया मौका है दिल्ली पुलिस में जाने का, ठीक है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की 18-27 रहती है, ओबीसी को आप जानते हैं 3 साल की छूट मिलती है, तो ओबीसी वाला बच्चा 18 से 30 साल तक का इसमें फॉर्म भर पाएगा, एससी एसटी वाला बच्चा 32 साल तक भर पाएगा। और ये जो एज लिमिट है दोस्तों आपकी 1 जुलाई 2023 को काउंट होगी, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए। बात करें दोस्तों यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका सीबीटी होगा और सीबीटी आप जानते होंगे दोस्तों फरवरी 2024 में ऑलरेडी शेड्यूल है। इसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, जो बच्चे यहां पे पास होंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा और हल्का सा पीएसटी पीईटी होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आपका लिस्ट लग जाएगा और उसके बाद लिस्ट में जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होता है मेडिकल प्रोसेस आपका करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, तो एग्जाम पैटर्न में आपसे कुल मिला के 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक आपका मैथ है, दूसरा रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग दोनों ही 25-25 क्वेश्चन के आएंगे, यानी 50 नंबर का सेक्शन यहां से आएगा और अकेला 50 नंबर का जीके जीएस और इसमें करंट अफेयर भी आपके यहां पर शामिल कर लीजिए। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट आपको इस पेपर करने के लिए मिलेंगी और दोस्तों यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, बहुत बढ़िया मौका है। कांस्टेबल में क्या है, कंप्यूटर भी आता है और कांस्टेबल का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड रहता है दोस्तों एमटीएस के कंपेरिजन में, तो यहां पर लेवल भी आपको कम मिलेगा क्वेश्चन का और बहुत बढ़िया चांस है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका फिजिकल होगा, तो फिजिकल में कल की वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, पीएसटी पीएटी में क्या होगा दोस्तों, हाइट जो मेल फीमेल के लिए चाहिए, मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फीमेल के लिए चाहिए, ठीक है। चेस्ट आपकी 86 चाहिए मेल के लिए। इसके बाद रनिंग की बात करें तो मेल को भैया 1600 मीटर की रनिंग होती है, कितने मिनट थी भैया, 7 मिनट थी मेरे ख्याल से, 7 थी कि 9 थी, इस प्रकार से कुछ दे रखा था, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, तो फिजिकल काफी आसान रहता है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है 20 नंबर का, 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे रोटी बनवा के देखी जा सकती है, सब्जी का रेशियो पूछा जा सकता है, नहीं ट्रेड टेस्ट होगा आपका 20 नंबर का। और इसमें दोस्तों क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 नंबर लाने जरूरी है, ठीक है, 10 मार्क्स आप लेके आएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और दोस्तों ट्रेड टेस्ट के जो नंबर है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये क्वालिफाई नेचर का आपको पास करना है। तो कहने का मतलब क्या है, सिलेक्शन होगा कहां से, यहां से, ठीक है। और इसकी तैयारी करवाने के लिए दोस्तों हमारा ऑनलाइन बैच है संकल्प, केवल 499 रुपए में, ऑफलाइन बैच है भैया आपका ये गारंटी बैच। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करना मत भूलना, इंक्वायरी जरूर लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ाई लिखाई रहना खाना फिजिकल सारी चीजें आपकी एक ही जगह रहे, रूटीन में आप तैयारी करें, ठीक है, डेली डिसिप्लिन में रहकर तैयारी करें तो एक रिजल्ट अव्वल दर्जे का आता है। ऑनलाइन में क्या है कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, कब पढ़ रहा है कब नहीं पढ़ रहा है कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट की। सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही है कि सर सर्टिफिकेट बनवा दो, सर्टिफिकेट बनवा दो। भैया सर्टिफिकेट बनवाने की कोई चीज नहीं है, ठीक है। पहली चीज कहां से बनवानी है, जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारे पद आते हैं, जैसे कुक है,
तो कुक की सर्टिफिकेट आप कहां से बनवा सकते हो? बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, स्कूल होते हैं दोस्तों जिसमें हॉस्टल फैकल्टी फैसिलिटी होती है, वहां से आप बनवा सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है, बहुत सारे गुरुकुल चलते हैं, ठीक है, बहुत सारी दोस्तों फैक्ट्रियां होती हैं, उसमें भी जैसे एम्प्लॉय होती है उनकी, तो वहां पे भी खाने की व्यवस्था होती है। जरूरी नहीं कि कुक है वो केवल होटल में काम करता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जैसे फैक्ट्रियां मील होती हैं, तो वहां भी कुक की व्यवस्था होती है। आपको ये चेक करना है कि जिस भी आप संस्था से या ऑर्गेनाइजेशन से अपनी सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारत सरकार का एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी वो होटल रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आके तुमको सर्टिफिकेट बांट के चला जाएगा, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फर्जी ही वो सर्टिफिकेट मानी जाएगी। होटल जो है, अच्छा एक चीज और है कि भैया आपने सर्टिफिकेट में एक्सपीरियंस लिखवा दिया 3 साल का और होटल को खुले हुए हैं 2 साल, तो भी फर्जी है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है, सारी चीजें होती हैं दोस्तों, मैं मानता हूं, लेकिन आप अपनी आंखें खुली रखना है, चेक करना है कि क्या ये होटल, मतलब उससे पूछ लीजिए ओनर से, रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, ठीक है जी। लेकिन आपका होटल है कितना पुराना? जी 1 साल पुराना है, हमने तो 1.5 साल पहले खोला है। सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो 3 साल की, ठीक है, तो उस चीज से बचिए। जो होटल रजिस्टर्ड हो और सही टाइम से खुला हो, जिसके पास मतलब उस होटल को 10-12 साल हो गए हो खुले, कम से कम उनमें आप अप्लाई कर सकते हो, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। परफॉर्मा हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, बाकी आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, उसमें बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब बहुत बड़े भेद नहीं है, ठीक है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो देखो कुक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो इस प्रकार का परफॉर्मा होता है, ठीक है। ऐसा ये रिवार्ड नहीं बनवाना, इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, ठीक है। इसको अगर मैं जूम करूं तो ये आप देख लीजिए, यहां पे क्या जाएगा, इंस्टीट्यूट की मोहर आ जाएगी, भैया जिस भी होटल से, एक्स वाई जेड होटल है, रेस्टोरेंट है वहां से, ठीक है। और यहां से आपका ये कह रहा है कि भैया इसने मेरे मतलब ये डैमेज सर्टिफिकेट है, लेकिन इस प्रकार का परफॉर्मा ऐसा होना चाहिए। और नीचे भैया जो आपका जो ओनर रहेगा होटल का, वो यहां पे अपने साइन करेगा और मोहर भी मारेगा, ठीक है, मोहर टेकेगा अपने होटल की, तो इस प्रकार का परफॉर्मा चलेगा, ठीक है। और बहुत सारे परफॉर्मे और भी हैं, ठीक है। तो यहां से आप आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी का सारा लीजिए दोस्तों आप, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस इस प्रकार से बनवा सकते हो, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चों को ये रिकमेंड किया जाता है, ये कोई भैया ये एक एलिजिबल सर्टिफिकेट नहीं है ये, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस लिखवाना है। सर्टिफिकेट बनता है दोस्तों इंस्टीट्यूट से, आप होटल वाले के पास जाके ऐसा सर्टिफिकेट बांटेगा वो, एक्सपीरियंस आप एक परफॉर्मा बनवाना है आपको कि जी मैंने यहां पे काम किया हुआ है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो वो इस प्रकार का होना चाहिए, मैं देखूं यहां पे है तो कोई, ठीक है। यहां से देखो यहां पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पे कहां से आप बनवा रहे हो, यहां पे एक्सपीरियंस लिख देगा, नीचे सिग्नेचर अथॉरिटी, सिग्नेचर एंड स्टैम्प, इस प्रकार का आपको परफॉर्म बनाना है, बहुत ज्यादा इसमें लफड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही बात दोस्तों कुक की। इसके बाद बात करें गार्डनर की, तो गार्डनर में बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे आप जाओगे गुड़गांव में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनकी फैक्ट्रियां वहां पे होती है, तो उनके वहां पे होते हैं गार्डनर, तो वहां बनवा सकते हो। बहुत सारे स्कूल में कर्मचारी होते हैं, स्कूल जो है बहुत आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग एक्सपीरियंस बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सर्टिफिकेट का मैंने बना दिया है कि उसी से बनवाएं जो ऑथोराइज हो, जो एक्चुअल में ही पुराना होटल हो, ठीक है। स्कूल भी आपका पुराना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले स्कूल खुला है वहां से आप जाके बनवा रहे हो, ठीक है। तो वहां से आप बनवा सकते हो 6 महीने का, 1 साल का, ठीक है। जो साल 2 साल पहले का स्कूल है उसमें 6 महीने का, 1 साल का बन सकते हैं, ठीक है। वहां पे आप जाके करोगे जी 3 साल का बना दो, भैया 3 साल तो स्कूल को खुले हुए नहीं हुए। तो इस प्रकार से आपको सही तरीके से सर्टिफिकेट बनवाना है, परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम, बीच में आपके एक्सपीरियंस के बारे में लिख देगा, नीचे अथॉरिटी के सिग्नेचर, स्टैम्प और मोहर, ठीक है। और वो चाहो तो आप वेरीफाई भी करवा सकते हो, ठीक है। तो सही सर्टिफिकेट होना होता क्या है दोस्तों, आप एग्जाम पास करोगे, फिजिकल पास करोगे, ट्रेड टेस्ट भी पास कर दोगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स की बारी आएगी वहां पे आपको निकाल देंगे, बोले तो फर्जी है यार, ठीक है। तो इस चीज को सीरियस लेना है, ठीक है। ऐसे ही चक्कर मत पड़ जाना के लिए जी बट रही है सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बटती नहीं है, बनवानी पड़ती है दोस्तों, ठीक है।
चलिए, तो ये है दोस्तों एमटीएस के कुछ डाउट। पहला एग्जाम पैटर्न को लेकर था, तो एग्जाम पैटर्न मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। दूसरा एज लिमिट को था, तो एज लिमिट आपकी भैया 18 से 27 साल रहेगी जनरल कैटेगरी में। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मेन है दोस्तों तैयारी, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका आज शाम तक आ जाएगा दोस्तों, तो तैयारी करने के लिए हमारा संकल्प बैच ज्वाइन कीजिए, 499 रुपए में आपको ये बैच मिलेगा। और इसके अलावा ऑफलाइन इंक्वायरी जरूर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।